बच्चों हमारा जो पहला प्रैक्टिकल था टू स्टडी ये फोर बार चेन एंड इट्स एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्किंग मॉडल्स। तो वर्किंग मॉडल तो आपको क्लास में दिखाया था, वो जो आपका लैब में रखा हुआ है उसी की तरह ये भी हमारे पास वर्किंग मॉडल है ये वाला। ये आपको एनिमेशन शो हो रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोर बार चेन में क्या होता है, चार लिंक्स होते हैं, आपको बताया था। ठीक है, तभी इसका नाम क्या फोर बार चेन मैकेनिज्म है। इसमें एक आपका फर्स्ट फर्स्ट लिंक का नाम है आपका फ्रेम। फ्रेम कौन सा है? देखिए जो नीचे फिक्स है आपके, ये जो नीचे जो फिक्स किया हुआ है ना, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। फिक्स वाला पार्ट कौन सा है? गए वाला पार्ट है ना, जो आपका ये जो ये गए नट के साथ, नट बोल्ट के साथ हमने टाइट किए हुए हैं ये, इसको हम कहते हैं फिक्स लिंक। फिक्स लिंक को हम बोलते हैं फ्रेम हमारा। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड गेन वाला पोर्शन। देखिए गेन पोर्शन है आपका क्रैंक। क्रैंक का क्या काम होता है? ये किसी एंगल पे रोटेट करता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके हिसाब से ये आपका रोटेशन एंगल आता है। इसमें आप अपनी बुक खोल के देखो प्रैक्टिकल नंबर वन में, प्रैक्टिकल नंबर वन में क्रैंक के साथ एक थीटा लिखा हुआ है, क्रैंक एंगल। तो उसके हिसाब से हम इसकी एंगल की सेटिंग करते हैं। थीटा जो ग्रीन पोर्शन है आपका, वो आपका क्रैंक है, और उसी एंगल में जितने एंगल पे रोटेट होगा उसके साथ एक थर्ड लिंक आपका कनेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कपलर। कपलर कौन सा आपका? थर्ड लिंक, रेड कलर के साथ दिखाया हुआ है आपको। रेड कलर के साथ जो तीसरा लिंक दिखाया हुआ है वो आपका कपलर है, और चौथा लिंक है आगे, उसको हम बोलते हैं लीवर। ये आपके चार लिंक हैं जो आपको फोर बार चेन मैकेनिज्म में आपको जनरली मिलते हैं। इसके अलग 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 से एप्लीकेशन है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। कौन कौन से वो मैंने आपको बताए थे, एक था आपका कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, जिसको हम डबल क्रैंक चेन मैकेनिज्म बोलते हैं, एक पेंटोग्राफ, ये बताया था। इन सब में चार लिंक ही आपको मिलेंगे और मैकेनिज्म आपको इसी तरह का मिलेगा। इसमें क्या होता है, आपको मैं मूवमेंट करके दिखाता हूँ। जो एक लिंक है वो फिक्स रहता है, वो कौन सा? नीचे वाला। देखो नीचे वाला लिंक कभी भी मूव नहीं करता, वो आपका अपनी जगह पे फिक्स रहता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स लिंक। सेकंड थर्ड और फोर्थ लिंक हैं जो वो मूवेबल लिंक होते हैं वो आपके। ठीक है जी, और उसमें जो सेकंड ग्रीन कलर है उसका नाम क्रैंक है, थर्ड है आपका कपलर, और फोर्थ है आपका लीवर। ये आपका है फर्स्ट प्रैक्टिकल में। इसमें आपको एप्लीकेशन में आपको बताया था कि इसके दो एप्लीकेशन होते हैं हमारे, एक एक लोकोमोटिव में जहाँ पे हम व्हील्स के साथ कनेक्ट करते हैं इसको, और सेकंड है आपका पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ को आपको क्लास में समझाया था प्रैक्टिकल में, लैब में। पेंटोग्राफ जो आपका ट्रेन के ऊपर यूज होता है इंजन के लिए, इसका काम क्या होता है? रिप्लिका करना, कॉपी कॉपी मैकेनिज्म तैयार करना। जो हम बनाना चाहते हैं उसका एक बड़े लेवल पे या बड़े का छोटे लेवल पे हम रिप्लिका करते हैं, तो हम उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट एनिमेशन। इसके बाद देखते हैं, फर्स्ट के बाद हमारे पास वो कौन से प्रैक्टिकल का एनिमेशन पॉसिबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका आपने बाकी एज इट इज जो जो प्रैक्टिकल लिखा हुआ है इसका स्टडी अपरेटस, ये सब आपने फाइल में लिखना है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। हाँ जी पहुंचा ही सर। इसमें जो आपको एनिमेशन के साथ ये दिखाया कि कितने लिंक इसमें से वर्किंग है, कितने लिंक फिक्स हैं, कितने मूवेबल लिंक हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है इसमें। और इसमें आपको एक चीज बताई थी कि इसमें ग्रैशो फ्लॉ फॉलो करता है। फोर बार चेन मैकेनिज्म में ग्रैशो फ्लॉ होता है। ग्रैशो फ्लॉ क्या कहता है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लिंक शुड बी लेस देन द सम ऑफ द अदर टू लिंक। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट लिंक कौन सा है? लॉन्गेस्ट लिंक देखो इसमें लीवर है सर। लॉन्गेस्ट लिंक इसमें कपलर है, रेड वाला, और जो शॉर्टेस्ट है वो आपका ग्रीन वाला है ये। ठीक है, क्रैंक वाला। तो हमने इन दोनों का सम करना है, वो सम किससे क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए सम ऑफ रिमेनिंग टू। रिमेनिंग टू कौन कौन से हैं? ब्लू वाला और जो एक नीचे फ्रेम। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम से कम होना चाहिए, लॉन्गेस्ट और शॉर्टर का सम। ये कहता है हमारा ग्रैशो फ्लॉ। ठीक है जी,
इसके बाद देखते हैं और हमारे पास कौन सा एनिमेशन इस टाइम प्रेजेंट है जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं हम। इसके बाद एक हमारे पास डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म देखते हैं उसमें। ये देखिए इसमें कुछ हो रहा है इसका, एक मिनट अभी चला नहीं। ये कौन सा प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल नंबर 3 है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन शो हो रही है, पहले वीडियो चेक कर लो एक बार। यस सर। हाँ जी यस सर। डबल क्रैंक स्लाइडर में क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये भी क्या है, एक तरह से 4-bar चेन मैकेनिज्म ही है इसमें। डबल क्रैंक चेन मैकेनिज्म भी क्या है, एक तरह की 4-bar चेन मैकेनिज्म है, बट इसमें क्या है आपके 2 टर्निंग पे होते हैं और 2 ही क्या होते हैं स्लाइडिंग पे होते हैं। ध्यान से देखो, 2 इसमें टर्निंग पे है और 2 स्लाइडिंग पे है इसमें, ठीक है जी। स्लाइड कौन से हैं? देखो दो दो ग्रुप कटे हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उसके बीच में स्लाइड हो रही है ना, ये दो दो ग्रुप्स के बीच में, तो ये दो दो हमारे स्लाइडिंग पे हैं, और जो दो टर्निंग के आए हैं वो दो आपके टर्निंग में आपके दो ब्लू ज्वाइंट लगे हुए हैं इसके बीच में, इसको हम बोलेंगे टर्निंग पे। तो ये दो चारों मिला के आपस में एक 4-bar चेन मैकेनिज्म बनाते हैं, ये डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो इसमें आपने जो लिंक 1 एंड लिंक 2 है, वो एक तो आपका फिक्स लिंक है नीचे वाला लिंक 1, लिंक 2 आपका रोटेट कर रहा है चारों तरफ, और लिंक 3 एंड लिंक 4 आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है आगे पीछे, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू वर्टिकल टू और टॉप टू बॉटम। ये आपकी जो मोशन है, आपके 4 लिंक प्रेजेंट है इसमें। ये आपने इसमें ध्यान देना है कि इसको भी हम 4-bar चेन मैकेनिज्म ही बोलते हैं, बट उसमें 4-bar चेन मैकेनिज्म में क्या होता है, 3 टर्निंग पेयर होते हैं, एक आपका फिक्स पेयर होता है। इसमें 2 टर्निंग पेयर है, दो आपके टर्निंग पेयर है और 2 आपके स्लाइडिंग पेयर है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और एक तीसरा आपका सिमिलरली एग्जांपल आता है जिसमें हम स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म बोलते हैं। स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होता है, एक स्लाइडर होता है, 3 टर्निंग पेयर होते हैं, इसमें 2 स्लाइडर है, इसको डबल स्लाइडर बोलते हैं, बस ये डिफरेंस है इनका। अब इनका इनके एप्लीकेशन है हमारे पास इन्वर्जन बोलते हैं, जो इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म कौन से हैं, एक ओल्डम कपलिंग है, एक स्कोच योक मैकेनिज्म है, एक एलिप्टिकल ट्रेमल है। इसमें से हमारे पास जो स्कोच योक मैकेनिज्म है वो इस टाइम प्रेजेंट है आपके पास, हमारे पास वो मैं आपको शो कर देता हूँ। स्कोच योक मैकेनिज्म कैसे है वो देखिए एक बार, जो इसका इन्वर्जन में आता है। एक बार सभी स्क्रीन चेक कर दीजिए, वर्किंग है आपका एनिमेशन? यस सर। नहीं सर, वर्किंग नहीं है। वर्किंग नहीं मतलब मूवमेंट दिख रहा है आपको एनिमेशन में? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। नो सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है। जिनको नहीं दिखा ना, रिफ्रेश कर लो अपना एक बार, जूम को शो हो जाएगा आपको। ये क्या है आपका जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन है आपका स्कोच योक मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं स्कोच योक मैकेनिज्म। में क्या है, एक आपका क्रैंक लगा हुआ है, जैसे आपका साइकिल का पैंडल होता है ना, उसके साथ जो रोटेटिंग पार्ट होता है उस तरह का एक क्रैंक लगा हुआ है बीच में घूमने वाला, ठीक है। उसके साथ आपका नीचे एक फ्रेम लगा हुआ है जिसको हम फिक्स बोलते हैं, येलो वाला फ्रेम है आपका फिक्स फ्रेम, एक उसमें क्रैंक लगा हुआ है और उसके ऊपर रेसिप्रोकेटिंग के लिए लिंक 1 एंड 3 लगे हुए हैं, ठीक है। चार लिंक हैं, 2 लिंक इसमें रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक लिंक रोटेट कर रहा है और एक लिंक फिक्स है। इस तरह से मिलके 4-bar चेन मैकेनिज्म बनता है कंप्लीट। तो इसमें आपने ध्यान देना कि रेसिप्रोकेटिंग वाले पार्ट्स कितने हैं, रेसिप्रोकेटिंग वाले 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हमारे पास 2 पार्ट्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, और एक पार्ट आपका रोटेट कर रहा है बीच में जो सिल्वर कलर का है, और चौथा पार्ट फिक्स है येलो वाला। ये हमारा है स्कोच योक मैकेनिज्म। ये आपका थर्ड प्रैक्टिकल का ही एक इन्वर्जन था जो आपके साथ शेयर किया हमने। इसके अलावा देखते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट है करंटली।
वो आपके साथ जो जो प्रैक्टिकल आज पॉसिबल है वो आपको दिखा देते हैं एक बार। ये किए आपका विद बर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का भी है हमारे पास, ये देखते हैं। हाँ जी, ये दिख रहा है आपको एनिमेशन वर्किंग में है। सर स्क्रीन रुक गया हमारे तो चली गई। सबका रुक गया कि किसी किसी का रुक गया? कोई और रिस्पॉन्स दे मुझे। चल रहा है सर, चल रहा है सर। चल रहा है दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं? कर लो, मैं कर देता हूँ ऐड आपको, एक बार छोड़ के दोबारा से कर लो जिसको शो नहीं हो रहा। ठीक है सर, दोबारा कर रहा हूँ। सब कुछ शो हो रहा है सर? कोई बात नहीं, जिनको नहीं हो रहा हो सकता है, नेट की स्पीड पे फर्क होता है। यह आपका एक्सपेरिमेंट नंबर है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, इसमें देखो स्लाइडर पार्ट एक ही है। कौन सा स्लाइड कर रहा है? येलो वाला पार्ट। येलो वाला पार्ट आपको लेफ्ट टू राइट स्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब आपको स्लाइडिंग इसमें नोटिस होगी सभी को। सिंगल स्लाइडर में क्या होता है आपका, चार रिंक होते हैं आपके। रिंक वन आपका फिक्स है। रिंक वन कौन सा है? फिक्स रिंक है आपका। फिक्स रिंक यहाँ पे कौन सा है? जिसके ऊपर हमने ग्रीन वाले पार्ट को फिक्स किया हुआ है उसको हम फिक्स रिंक बोलेंगे। सेकंड है आपका रोटेट। रोटेट कौन सा पोर्शन का है आपका? क्रैंक वाला, ये जो जिसके ऊपर ये रेड नोब लगा हुआ है ना, ये वाला बीच में क्रैंक के ऊपर, ये हमारा रोटेट पार्ट कर रहा है बीच में, सर्कुलर पार्ट जो आपका रोटेशन में दिखाई दे रहा है इसको हम रोटेटिंग पार्ट बोलेंगे। थर्ड है आपका ओसिलेट। ओसिलेट का मतलब ओसिलेशन हो रही है इसकी, ग्रीन पार्ट की, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपका ओसिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे ओसिलेशन मोशन। और चौथा पार्ट है आपका येलो वाला, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन है आपका स्लाइडर, जिसको हम आगे पीछे लेफ्ट और राइट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है सभी को। तो चारों मिला के आपका एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म बनाएंगे। तो आपने इसका ध्यान देना है कि कितने इसमें लिंक हैं, चार लिंक हैं, सभी को पता होना चाहिए। और कितने फिक्स लिंक हैं? एक फिक्स लिंक होता है इसमें। लिंक वन फिक्स्ड है आपका, जिसके लिंक वन कौन सा है देखो नीचे से, ये जहां पे पाइवेट ज्वाइंट है नीचे, ये आपका अपनी अपनी पोजिशन पे फिक्स है सबसे नीचे जहां पे नट लगा हुआ है। यहां से आपका ये मोशन आपका लेफ्ट टू राइट सर्कुलेट हो रहा है, बट ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा नीचे वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलेंगे फिक्स लिंक। लिंक टू आपका रोटेट होगा, लिंक थ्री ओसिलेट होगा, लिंक फोर आपका रेसिप्रोकेट होगा। इसका हम यूज करते हैं इस जो आपको मैंने इन्वर्जन शो किया है, ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म शो किया है इसका हम विद बर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इसका हम यूज करते हैं शेपर मशीन में, कटिंग मशीन में, जब हमें कटिंग या शेपिंग करनी हो तो उसमें हम टूल्स में ये वाला मैकेनिज्म लगाते हैं इसमें। ठीक है जी, टू एंड फ्रो मोशन के लिए, कटर के मोशन के लिए हम इसमें ये वाला मैकेनिज्म इम्प्लॉय यूज करते हैं, विद बर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो बच्चों, ये आज हमने पहला, दूसरा, तीसरा प्रैक्टिकल आपके साथ एनिमेशन इसका शेयर किया, ताकि आपको समझ आए कि जो लिंक है वो कैसे इसमें काम करते हैं आपके। लगभग तीनों प्रैक्टिकल में चार चार लिंक हैं, बस इसमें क्या है कि पहले में तीन टर्निंग पे है, आपने डिफरेंस समझना है। फोर बार चेन में क्या होता है, तीन टर्निंग पे होते हैं,
एक आपका फिक्स पेयर होता है, जो सेकंड है आपका स्लाइडर वाला, जो ये आपके सामने है सिंगल स्लाइडर वाला, इसमें एक स्लाइडर पेयर होता है, एक स्लाइडर पेयर होता है जिसको हम रेसिप्रोकेट बोल देते हैं, एक फिक्स होता है और दो टर्निंग पेयर होते हैं। जो इससे पहले दिखाया था डबल स्लाइडर, उसमें दो स्लाइडर होंगे, एक टर्निंग पेयर होगा, एक फिक्स लिंक होगा, ठीक है जी। ये आपने डिफेंस अपना सबने ध्यान में रखना है। ये आपके तीन प्रैक्टिकल एनिमेशन के साथ आज लेके आए थे आपके लिए। इसमें कोई डाउट है तो इसका पूछ सकते हो, कौन सा पार्ट कैसे मूवमेंट कर रहा है, इसको कोई डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है वो। और नहीं तो आपने ये प्रैक्टिकल अपने 10 तक पूरे करने हैं, और भी एनिमेशन मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए एक बार। अगले वीक तक सभी ने भाई अपने पीडीएफ्स बना के सबमिट करने हैं इसके 10 के 10 प्रैक्टिकल के। बीच में हम ऐसे ऐसे एनिमेशन वाले लेक्चर लगाते रहेंगे ताकि एक बार आपको सारे प्रैक्टिकल्स की समझ आ जाए क्या हुआ है इनके अंदर, मैकेनिज्म क्या यूज में आया है।